चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्टेशन परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको तकरीबन जो है 6 महीने के करंट अफेयर इंक्लूडिंग दिसंबर आपको प्रेजेंट करूंगा, और लगभग मैं 100 क्वेश्चन हर महीने के प्रेजेंट करूंगा जो कि दो दो भाग में होंगे। तो दिसंबर मैंने प्रेजेंट कर दिया दो भाग में, अब मैं जनवरी का आज फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा जिसमें जनवरी के करंट अफेयर्स होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपके जितने भी आसपास के एग्जामिनेशंस हैं जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो बाकी आपको पता ही है कि वीडियोज़ को लाइक करना है और शेयर करना है, और वीडियो और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्राइब करना है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने। तो देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की बात हुई है तो अभी जो नए जो है पूछा गया कि नए जो सीईओ हो गए हैं वो कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, वी मुरलीधर है, सुनीत शर्मा है, उसके अलावा जयप्रकाश हैं, उसके अलावा विवेक बिंद्रा हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सुनीत शर्मा हो जाएंगे। सुनीत शर्मा जो है कि करंट में भी और नए जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ और हेड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले वी के यादव हुआ करते थे। वी के यादव को इंजीनियर अवार्ड दिया गया था 2020 में, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों रेलवे की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है 1853 स्टैब्लिशमेंट, विश्व में हम चौथे स्थान पे रेलवे में, एशिया में पूछा जाएगा तो हम दूसरे स्थान में रेलवे में। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पहली प्राइवेट ट्रेन पूछा जाएगा, तेजस हो जाएगी। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, हबीबगंज हो जाएगा। पहला ट्रेन विदाउट इंजन पूछा जाएगा तो वो ट्रेन 18 हो जाएगा, जिसको वंदे भारत नाम दे दिया गया। पहला सोलर मिनिएचर ट्रेन पूछा जाएगा, केरला हो जाएगा। पहला फ्रूट ट्रेन पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला किसान ट्रेन पूछा जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला हॉस्पिटल ट्रेन या फिर लाइफ लाइन एक्सप्रेस पूछा जाएगा, वो आसाम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलाएगी तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पहले विदाउट ड्राइवर ट्रेन कहाँ चलाएगी, मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाएगी तो वो दिल्ली हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारे रीसेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिटेल से आप जो है कि डाउनलोड करके जो है पीडीएफ इन डिटेल्स को याद कर लीजिएगा, कभी मैं पूछूंगा तो आपको याद रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया, मुझे नहीं पता था कि आगे ये क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे के आधुनिकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड इंजीनियर अवार्ड 2020 फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन रेलवेज। वी मुरलीधर, विनोद कुमार यादव, एस जयशंकर या फिर विक्रम कुमार। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे वी के यादव। वी के यादव को मैंने बताया कि अभी आपको कि रेलवे के आधुनिकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएंगे विनोद कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च घाट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे 2000 में स्टैब्लिश हुआ है। करंट में पूछा जाएगा तो तीरथ सिंह रावत यहाँ के करंट में सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो बेबी रानी मौर्य हो जाएंगे। प्लस उत्तराखंड से पूछा जाएगा अगर आपको कि पहला फॉरेस्ट सेंटर कहाँ खोला गया, ठीक है, तो वो आपका उत्तराखंड में इको ब्रिज पूछा जाएगा, मॉस पार्क पूछा जाएगा, पॉलिनेटर पार्क पूछा जाएगा, लाइकेन पार्क पूछा जाएगा। ये सारे कहाँ खोलेंगे, ये सारे उत्तराखंड में जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्लस अगर बात करें और क्वेश्चंस की तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा मिशन हौसला स्कीम कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड में चलाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। होप सर्विस पूछा जाएगा या होप पोर्टल पूछा जाएगा, वो भी आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस बिहार के गवर्नर की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे फागू चौहान, उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, और गुजरात के हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। डॉक्टर जयालाल, विकास गुप्ता, विवेक बिंद्रा या फिर वी मुरलीधर। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे डॉक्टर जयालाल। डॉक्टर जयालाल जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जबकि अगर आपको पूछा जाएगा कि हमारे जो है कौन हो जाएंगे हमारे साइंटिफिक मिनिस्टर, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पूछा जाएगा तो धर्मेंद्र प्रधान, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सेल। सोमा मंडल, ऐश्वर्या श्रीधर, सीमा गुप्ता या फिर गायत्री महाजन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे सोमा मंडल। सोमा मंडल को ध्यान रखिएगा, सेल का आपका जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का जो है हेड बनाया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट देख लीजिएगा, 1954 हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना को शुरू करा है। बिहार, झारखंड, गुजरात या हरियाणा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द
किसान क्रॉप रिलीफ स्कीम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा झारखंड, यानी हेमंत सोरेन। गवर्नर पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में आपको प्राज्ञम स्कीम भी चलाई गई थी जो कि आपको पूछा जा सकता है। दाल भात मुख्यमंत्री योजना भी पूछा जाएगा तो वो भी आपकी झारखंड में चलाई गई थी। अभी झारखंड ने अमृत वाहिनी एप्लीकेशन लॉन्च कराया है, अमृत वाहिनी पोर्टल लॉन्च कराया जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैंने बता दिया सीएम कौन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन हो जाएंगी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहला खादी मॉल पूछा जाएगा झारखंड, और झारखंड के जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 2000 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कई बार आपको पूछा गया कि झारखंड के जो एस्टेब्लिशमेंट आपके जो है एनटीपीसी के पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया? द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट, जैसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन फैमिली वन जॉब, प्योर फॉर श्योर, ठीक है। ये सब जैसे ही इसमें ऐड होता जाता है ये क्वेश्चन चेंज होते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल पूछा गया वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाता तो वो हो जाता उत्तर प्रदेश आपका। वन फैमिली वन जॉब पूछा जाता तो वो हो जाता आपका सिक्किम आपका। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एमपी। एमपी में बहुत सारी स्कीम चलाई गई, देखिए दीदी वाहन सेवा हो जाएगा, चरण पादुका हो जाएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी हो जाएगा, गंदगी भारत छोड़ो हो जाएगा, ये सारे स्कीम्स कहाँ चलाए गए? ये सारे स्कीम्स आपके मध्य प्रदेश में चलाए गए। 1956 एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान जी करंट में यहाँ के सीएम और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो वही हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर यानी आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाईकोर्ट? राघवेंद्र सिंह चौहान, रमेश रंगनाथन, रवि मालिमत या रविशंकर झा। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके आर एस चौहान, यानी राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के हैं। अभी दोस्तों अगर पूछा रहेगा भारत में कितने हाईकोर्ट है तो वो हो जाएंगे 25। ध्यान रखिएगा 25वां कहां पे बनाया गया है, वो बनाया गया आंध्र प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और वहां के कौन है, अरुण कुमार शाह। उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो संजय यादव, जो कि पूछे जा सकते हैं। पंकज मित्तल कहां के हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख। दीपांकर दत्ता पूछा जाएगा तो कहां के हो जाएंगे, महाराष्ट्र। तेलंगाना पूछा जाएगा तो हिमा कोहली। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये मान लीजिए डिटेल्स दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? कुमार को, राघवेंद्र सिंह चौहान, पंकज मित्तल, गोविंद माथुर या फिर संजीव बनर्जी। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पंकज मित्तल, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, किस लघु फिल्म को 7वें 8 इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? एक सवाल, बेटी, पूनम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूनम। पूनम जो मूवी है उसको जो है 7वें इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। चले, किस संस्थान के विद्यार्थी ने विश्व में सबसे हल्के फैम्टो सैटेलाइट क्लामसेट का निर्माण किया? तो देखिए फैम्टो सैटेलाइट क्या है, सबसे आपका लाइटियस सैटेलाइट है, इसका जो है निर्माण किसने किया? सस यूनिवर्सिटी ने किया जो कि तमिलनाडु में है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आईआईटी दिल्ली ने या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सस यूनिवर्सिटी। सस यूनिवर्सिटी ने जो है कलाम सेट यानी जो है सबसे लाइटियस सैटेलाइट का जो है कोर्स को बनाया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया। यह सहायक एनजी क्या है, एयर ड्रॉप कंटेनर है, ड्रोन है या फिर आपका जो है कि बैटल शिप है या फिर मिसाइल टैंक है? तो देखिए ये जो सहायक एनजी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एयर ड्रॉप कंटेनर। सहायक एनजी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एयर ड्रॉप कंटेनर हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बात है ये डीआरडीओ की, तो मैंने हमेशा बताया कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म। करंट में पूछा जाएगा कि डीआरडीओ के हेड कौन है तो वो हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताया कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे बहुत सारे आपको बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। मेरी भी क्लासेस चलती हैं, आपको वहां पे मैं अपनी क्लासेस के बारे में भी बता देता हूं, और आपको वहां पे ना फ्री क्लासेस के साथ साथ फ्री कॉम्बैट भी मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलता है, जिसमें 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप पूल को आप जीत सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं जो भी रैंक में आप आएंगे। तो देखिए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं। अनअकैडमी भी बता, आपको पेड क्लासेस भी मिलती हैं, फ्री क्लासेस भी मिलती हैं। पेड क्लासेस अगर आप लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 30+ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज एवरी वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं, 300 क्लासेस जो है वो पर डे चलते हैं। अब इतनी क्लासेस तो आप नहीं देख पाएंगे, तो 4 से 6 क्लासेस टारगेट कर लीजिए। 70+ एजुकेटर्स हैं जिसमें सबकी क्लासेस चलते हैं, इंक्लूडिंग मी, सबके पीडीएफ, सबके नोट, सबके मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट है, यानी फरवरी 2019 से लेकर के अब तक के, और जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक के आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट रहेंगे। 20,000 जो है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर से जिसका फायदा उठा रहे हैं। फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, संकल्प 1000+ इलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, स्ट्रांग लाइनअप है बहुत सारे बैचेस की, जो कि आपके एग्जाम्स को
क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2500 रुपए की जो है आपको टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसमें 30+ प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल पेपर हो जाएंगे विद द सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं, हर संडे को 12 बजे फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे आपको कोड अप्लाई करना है memories@14 जो कि मेरी स्लाइड्स पे दिख रहा होगा आपको, वो अप्लाई करना और आपको कॉम्बैट खुल जाएगा। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी देखिए यहाँ पे आपको 24 मंथ 12 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ का ऑप्शन देगा, वहां पे आपको ये कोड अप्लाई करना है जो मैंने अभी जस्ट बताया है VIMLESH, ठीक है, memories@14 ये कोड अप्लाई करना है और आपको क्या है कि ऑफ मिल जाएगा इस कोड को अप्लाई करते ही। और कॉम्बैट के लिए भी आप यही कोड अप्लाई करते हैं, यानी जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको एक अनलॉक कोड मांगता है, उसमें यही कोड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये कोड आप किसी भी कैटेगरी में जो है कि लॉन्च जो यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, तो वो थे हम लोग DRDO पे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एयरड्रॉप कंटेनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। देखिए मैंने बताया था आपको कि हबीबगंज हमारा पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदल करके कर दिया गया अटल जंक्शन, ध्यान रखिएगा अटल जंक्शन नाम कर दिया गया, ठीक है। भारत का पहला टेस्टेड ध्यान सिस्टम नेविगेशन किसने लॉन्च किया, निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी, जयशंकर प्रसाद या रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। एस जयशंकर जी के पास विदेश मंत्रालय, स्मृति ईरानी जी के पास आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है प्लस वुमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और निर्मला सीतारमण जी के पास कौन सा मिनिस्ट्री है, इनके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सबके। और इन चार लोगों की किताबें भी पूछी जा सकती है, जैसे जो है कि निर्मला सीतारमण की किताब हो जाएगी जर्नी टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, स्मृति ईरानी की किताब हो जाएगी स्वच्छता से क्रांति, एस जयशंकर की किताब हो जाएगी इंडिया वे, और रमेश पोखरियाल निशंक की किताब हो जाएगी युग पुरुष हो गया, संसद में हिमालय हो गया, ये सारी किसकी किताब है, रमेश पोखरियाल निशंक जी की। रमेश पोखरियाल निशंक जी को अभी रिसेंट में एक अवार्ड मिला है जिसको हम क्या कहेंगे इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, जो कि आपको पूछा जा सकता है, उससे पहले इनको वतायन अवार्ड दिया गया था। तो ये सारे जो डिटेल्स मैं बोल रहा हूं ना, आप एक कॉपी बना लीजिए, वो मेरे नाम से बना लीजिए, आप शिक्षा सिटी लिख लीजिए या विमरेश यादव सर लिख लीजिए, और उस कॉपी को बहुत संभाल के रखिए। जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूं, अगर आप ये रिटन में लिखते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला हर एक एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सुधा मूर्ति, स्तुति शर्मा, रस्किन बॉन्ड या विकास खन्ना। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे स्तुति शर्मा, ठीक है। सुधा मूर्ति के साथ मैंने बताया आपको महाश्वेता, रस्किन बॉन्ड की किताब भोपान बताया हाउ टू बी राइटर, विकास खन्ना की किताब मैंने बताया ग्रेटिट्यूड्स ऑफ किचन, जो कि पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेलबर्न में शतक बनाने के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को जॉनी मुलाक मेडल 2020 से सम्मानित किया गया, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, KL राहुल या विराट कोहली। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द जॉनी मुलाक मेडल 2020 फॉर हिज सेंचुरी इन मेलबर्न, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, KL राहुल या विराट कोहली। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाक अवार्ड दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला ले लेते हैं, चलिए ये आज के क्वेश्चन से दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसका सेकंड सेशन होगा वो आपको, मतलब इसका दूसरा भाग जो है आपको जल्दी मिल जाएगा, इसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई तक के सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे दो दो भागों में। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जहां पे मेरी फ्री क्लासेस मिलते हैं आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।